हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। शेयर बाज़ार में तेज़ी बनी हुई है और बात करेंगे ONGC की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे। PSU कंपनी है, बड़ी कंपनी है दोस्तों। स्टॉक प्राइस जो 163-164 में है, इसके चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले थे तो अपडेट आ गया है और साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। Q4 FY23 के रिजल्ट की बात करेंगे और साथ में जो डिविडेंड का अपडेट है उसकी बात करते हैं। तो आपके पास ONGC का शेयर है तो स्टॉक प्राइस 163-164 में है और चौथी तिमाही के नंबर्स की बात करते हैं। चौथी तिमाही में क्या परफॉर्मेंस रही है तो उसी के अनुसार एनालिसिस करेंगे और जो डिविडेंड का अपडेट है उसको देखते हैं। शेयर प्राइस 164 में एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। तो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। ONGC की बात कर रहे हैं, इसी तरह से और कंपनियों का अपडेट दिया जाता है, जानकारी दी जाती है इस YouTube चैनल से। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होता है इसको। तो स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं दोस्तों। ONGC के नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये, और इनकम की बात करते हैं। 31/3/2023 के क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया है 164,066 करोड़ का, 164,066 करोड़ का है, और दिसंबर के क्वार्टर में 169,212 करोड़ का है। तो दिसंबर के क्वार्टर में तो ये रेवेन्यू ज़्यादा रहा है और 31/3/2022 के क्वार्टर में 155,948 करोड़ का था। तो साल भर पहले जो रेवेन्यू था ONGC का वो कम था, 155,948 करोड़ का था, और अब की बार है 164,066 करोड़ का। तो सालाना ग्रोथ रही है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो इनकम रेवेन्यू कम है। देखिए, अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम जो है Q4 FY23 में 166,728 करोड़ का, 166,728 करोड़ का, और 171,041 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था। एक साल पहले 158,660 करोड़ का था। तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से तो कम है टोटल इनकम, सालाना देखते तो ग्रोथ है, 158,660 करोड़ से बढ़कर 166,728 करोड़ का टोटल इनकम है ONGC का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड का दोस्तों। और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। और एक्सपेंसेस देखिए, 100,000 टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं क्योंकि ये सारा कुछ पढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा। और 151,857 करोड़ का, 151,857 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, और जो टोटल इनकम था 166,728 करोड़ का था। तो कंपनी को प्रॉफिट है, और देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,901 करोड़ का, 5,901 करोड़ का। सीधे से देखिए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, मुनाफे की बात कर लेते हैं। ONGC का जो मुनाफा रहा है Q4 FY23 में, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 5,701 करोड़ का, 5,701 करोड़ का है, और दिसंबर क्वार्टर में 11,665 करोड़ का था, एक साल पहले 12,061 करोड़ का था। तो मुनाफा घट गया दोस्तों, मुनाफा घट कर आया है, तो मुनाफा घट गया है, कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है। और अर्निंग पर शेयर भी देखिए एक तरह से कम होगा। अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, अब दोस्तों अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, 2.95 का है और 9.13 का दिसंबर क्वार्टर में था, एक साल पहले 8.39 का था। तो अर्निंग पर शेयर भी कम हुआ है क्योंकि मुनाफा कम रहा है। तो ये ONGC के जो नतीजे हैं जिसमें रेवेन्यू देखते हैं तो कम हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, और सालाना देखते हैं तो ग्रोथ है, 158,660 करोड़ का टोटल इनकम था, बढ़कर 166,728 करोड़ का टोटल इनकम है, और कंपनी का प्रॉफिट है, बट ये कि प्रॉफिट कम रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं डिविडेंड की दोस्तों। बहुत सारे निवेशक ONGC को अपने पोर्टफोलियो में रखे होंगे डिविडेंड के लिए, तो अब की बार का जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है ONGC की तरफ से, देखिए ये जो अपडेट है डिविडेंड का, जो अपडेट आया, फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23
50 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया दोस्तों, 50 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया, फेस वैल्यू 5 रुपीज और 10% का डिविडेंड। तो ये तो सरप्राइज है, 50 पैसे का डिविडेंड दिया गया ONGC की तरफ से। तो जिनके पास ONGC है तो आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा 50 पैसे का, और रिकॉर्ड रेट का तो इसमें अपडेट नहीं है। तो अब जिनके पास है तो 50 पैसे का डिविडेंड मिलेगा दोस्तों, 50 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। ये सरप्राइज डिविडेंड है ONGC की तरफ से शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये चौथी तिमाही के नतीजे हैं और डिविडेंड का अपडेट है। इसके जो मार्केट कैप है 2,06,000 करोड़ का है, और इसका जो प्राइस है ONGC का 163 में है, और बुक वैल्यू पर शेयर है 162 का, अपने बुक वैल्यू के आसपास ही स्टॉक प्राइस है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है, डिविडेंड यील्ड है 6.41 का। डिविडेंड अच्छा दिया जाता है कंपनी के द्वारा, बट अब की बार का जो डिविडेंड है 50 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दोस्तों। तो इसका जो बुक वैल्यू है 162 का है, शेयर उसी के आसपास कारोबार कर रहा है ONGC का। और इसका जो 3 साल का रिटर्न है, पिछले 3 साल से जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ONGC को रखा है, 112% का रिटर्न है, और 1 साल का रिटर्न 7.80% का है, 3 महीने का रिटर्न 5.65% का है दोस्तों। तो 3 साल से स्टॉक में एक तेज़ी तो बनी है, ऊपर की तरफ स्टॉक है, लेकिन पिछले 1 साल के अनुसार देखते हैं तो 7.80% का ही रिटर्न है 162 में स्टॉक प्राइस है दोस्तों। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस, बुक वैल्यू पर शेयर और चौथी तिमाही Q4 FY23 के नतीजे ONGC के, साथ में डिविडेंड का अपडेट है 50 पैसा पर इक्विटी शेयर। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये ग्राफ है, 1 साल का ग्राफ है, और 164 में स्टॉक प्राइस है, 10-12% का रिटर्न दिया है निवेशकों को 26 मई 2023 तक, जिनके पास ONGC का स्टॉक है। और 52 वीक हाई है 169 का है, और 52 वीक लो है 119 का। तो पूरे साल भर की बात करते हैं तो देखिए 119 से 169 के बीच घूमा है, एक तेज़ी तो बनी है। देखिए सितंबर के महीने में नीचे की तरफ था 120 के आसपास, उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ आया, और चौथी तिमाही के नतीजे हम लोगों ने देखे हैं। तो रेवेन्यू देखिए एक तरह से तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम है, प्रॉफिट कम है, और मुनाफा वसूली इसमें आ सकती है 160 के नीचे अगर स्टॉक आएगा तो, मान के चलिए इसमें फिर गिरावट बढ़ सकती है, 155-150 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और स्टॉक प्राइस देखिए 28 मार्च 2023 को 147 में था, तो जो सपोर्ट रहेगा 147 का रहेगा नीचे का, पहले सपोर्ट रहेगा 160 का, उसके नीचे अगर स्लिप होता है तो मान के चलिए 147 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर एक बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है, बट ये कि अगले 3 महीने में स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है दोस्तों, मीन्स कमजोरी रह सकती है। टेक्निकली देखिए एक तेज़ी तो है, बट ये कि शॉर्ट टर्म के लिए इसमें कमजोरी रह सकती है। और डिविडेंड भी देखिए एक तरह से सरप्राइज है 50 पैसे का, तो बहुत सारे निवेशक क्या है कि डिविडेंड के लिए भी खरीदारी करते हैं, तो वो भी एक तरह से कम हो सकता है। और अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो अगले 3 महीने के लिए हमारे अनुसार इसमें कमजोरी आ सकती है, और इसमें जो तेज़ी आएगी 169 अगर ये क्रॉस करता है तब इसमें फिर तेज़ी रह सकती है। लेकिन पूरे साल भर की बात करते हैं तो स्टॉक में तेज़ी है दोस्तों। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो मुनाफा वसूली इसमें कर सकते हैं, और जिन्होंने डिविडेंड के लिए रखा है तो होल्ड करना चाहिए। अब की बार 50 पैसे का डिविडेंड है, अब की बार हो सकता है कि ज़्यादा डिविडेंड दिया जाए। तो ये चौथी तिमाही के नतीजों का अपडेट था। ONGC का शेयर प्राइस 163-164 में है, और डिविडेंड जो दिया गया 50 पैसे का डिविडेंड दिया गया है। तो ये ONGC का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।